मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भू विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में उनका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले 4 व्याख्यानों में हमने भूवैज्ञानिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को विस्तार से आपके साथ डिस्कस किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले लेक्चर में मीसोजोइक काल तक के कालखंड को सब डिवीजन लेवल पर जाकर पीरियड स्तर तक किस डिवीजन का क्या कालखंड रहा, एज रेटिंग के हिसाब से हमने डिस्कस किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भूवैज्ञानिक समय सारणी के मीसोजोइक कालखंड के ऊपर के कालखंड नवजीवी ईरा, या जिसे सीनोजोइक ईरा भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व के लेक्चर में हमने सीनोजोइक कालखंड या नवजीवी कालखंड के बारे में बताया था कि सीनोजोइक को 2 भागों में बांटा गया है, जिन्हें टर्शरी तथा क्वार्टरनरी पीरियड्स कहते हैं। आज इस लेक्चर में हम इस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सीनोजोइक का जो 2 भागों में हमने बांटा है, टर्शरी और क्वार्टरनरी, उसके जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है सीनोजोइक का, उसे हम टर्शरी पीरियड कहते हैं। इस टर्शरी पीरियड को 5 भागों में हम बांटते हैं, पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। जो नीचे के 3 पार्ट हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए फर्स्ट 3, उसे हम पेलियोजेन कहते हैं, और जो ऊपर के 2 पार्ट हैं उन्हें हम नियोजेन कहते हैं। तो टर्शरी में सबसे नीचे से शुरू हम करते हैं पेलियोसीन से। पेलियोसीन को भी आगे हम 3 भागों में सब डिवाइड करते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट है डेनियन, जिसकी आयु है 65.5 मिलियन ईयर्स। दूसरा पार्ट है इसका सिलेडियन, जिसकी एज है 61.7 मिलियन वर्ष। और जो तीसरा पार्ट है अंतिम इसका, उसे कहते हैं हम थेनेटियन या थेनेशियन, इसकी आयु है 58.7 मिलियन वर्ष। पेलियोसीन के बाद में ईओसीन आता है। ईओसीन को विद्यार्थियों 4 भागों में बांटते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। इनके नामकरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले है इप्रेसियन, जिससे एज है 55.8 मिलियन वर्ष। इसके ऊपर है लुटेटियन, 48.6 मिलियन वर्ष। तीसरा है बार्टोनियन, जिसकी आयु है 40.4 मिलियन वर्ष। और सबसे ऊपर है प्रियाबोनियन, 37.2 मिलियन वर्ष पुराना। ईओसीन के पश्चात आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन को 2 भागों में हम बांटते हैं। नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट है रुपेलियन, जिसकी आयु है 33.9 मिलियन वर्ष। और चैकियन, जिसकी आयु है 28.04 मिलियन वर्ष। तो इन तीनों, ये जो 3 हैं, पेलियोसीन, ईओसीन और ओलिगोसीन, उन्हें हम कहते हैं पेलियोजीन। अब जो नियोजीन के 2 पार्ट हैं वो इस प्रकार हैं। ओलिगोसीन के ऊपर हम चलते हुए मायोसीन आता है। मायोसीन को 6 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है
एक्विटेनिया, एक्विटेनियन, जिसकी आयु है 23.03 मिलियन वर्ष। इसके ऊपर है बुडेगेलियन, आयु है उसकी 20.43 मिलियन वर्ष। इसके ऊपर आता है लैंगियन, जो कि 15.97 मिलियन वर्ष पुराना है। चौथा सीक्वेंस आता है सिरावेलियन, इसे आयु है 13.65 मिलियन वर्ष। सिरावेलियन के ऊपर टॉर्टोनियन 11.6 मिलियन वर्ष, और मैसिनियन 7.2 मिलियन वर्ष। तो ये मायोसिन के 6 भाग थे। फिर है मायोसिन के ऊपर जो नियोजिन का सबसे दूसरा पार्ट है, और टर्शियरी का सबसे नवीनतम पीरियड जिसे हम कहते हैं वो है प्लायोसिन। प्लायोसिन को विद्यार्थियों 3 भागों में बांटते हैं। सबसे नीचे है आधारी भाग में सबसे पुराना जैम्पियन, जिसकी आयु कालक्रम में आयु है 5.3 मिलियन वर्ष। दूसरा है पिसेंजियन, 3.6 मिलियन वर्ष पुराना। और सबसे ऊपर है जो सबसे नवीनतम भी जिसे कहेंगे गैलिसियन, 2.6 मिलियन वर्ष पुराना। फिर विद्यार्थियों हम क्वार्टरनरी की बात करेंगे, जो कि सीनोजोइक इरा का ही एक पीरियड है। टर्शियरी के ऊपर आता है ये क्वार्टरनरी, और सबसे नवीनतम चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। इसमें अभी लेटेस्ट परिवर्तन किए गए हैं, जो कि स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर होते हैं। इस आधार पर जो सबसे नवीनतम चट्टानें क्वार्टरनरी में अभी हाल ही में परिभाषित की गई हैं, वो भारत के लिए भी एक गर्व की बात है विद्यार्थियों, क्योंकि स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल के द्वारा जो सबसे नवीनतम चट्टानें बताई गई है वे मेघालयन आयु की हैं। उनका नामकरण रखा गया है मेघालयन, जो कि भारत के मेघालय राज्य पर के ऊपर रखा गया है, जो कि एक अपने आप में गर्व का विषय है। क्वार्टरनरी को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्लिस्टोसिन तथा होलोसिन। प्लिस्टोसिन को फर्दर 3 भागों में सब डिवाइड किया जाता है, लोअर प्लिस्टोसिन, मिडिल प्लिस्टोसिन तथा अपर प्लिस्टोसिन। लोअर प्लिस्टोसिन विद्यार्थियों 1.8 मिलियन वर्ष पुराना है। 1.8 को आप ऐसे लिख सकते हो, मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख को जब गुणा करेंगे 1.8 से तो होते हैं 18 लाख वर्ष। यानी लोअर प्लिस्टोसिन की आयु है आज से 18 लाख साल पहले, लोअर प्लिस्टोसिन आयु थी। मिडिल प्लिस्टोसिन की आयु 0.781 मिलियन वर्ष तथा अपर प्लिस्टोसिन की आयु 0.126 मिलियन वर्ष है। विद्यार्थियों प्लिस्टोसिन के ऊपर सबसे नवीनतम भाग आता है क्वार्टरनरी का, जिसे हम होलोसिन कहते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। हम सबसे नीचे वाला पार्ट है ग्रीनलैंडियन, जो कि ग्रीनलैंड से संबंधित है। ये 11,700 साल पुराना है। दूसरा पार्ट है नॉर्थ ग्रीपियन, जिसकी आयु है 8,326 वर्ष। और सबसे ऊपर जो कि पूर्व में भी बताया है मेघालयन आयु, मेघालयन एज, ये इसकी आयु कालक्रम जो है वह 4,250
साल पुराना है, यानी आज से 4,250 साल पहले मेघालय एज थी। 4,250 साल से टिल टुडे वर्तमान तक वही एज चल रही है जो कि स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल ने स्थापित की है। तो विद्यार्थियों, इस तरह ये सीनोजोइक पूरा होता है। इस प्रकार हमने चारों ही जो ईरा थे, बड़े बड़े कालखंड, प्री कैम्ब्रियन था, पेलियोजोइक था, मीसोजोइक था और सीनोजोइक था, उनका अध्ययन किया, उनके पीरियड्स का हमने अध्ययन किया। जैसे पेलियोजोइक को कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन में बांट करके उनका अध्ययन किया, पीरियड कहलाए। मीसोजोइक को जिस प्रकार हमने बांटा ट्रायसिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस में, उसी प्रकार सीनोजोइक को टर्शरी, क्वार्टरनरी पीरियड्स में बांटा हमने। उसके बाद पीरियड को भी आगे फर्दर सब डिवाइड किया एजेस के अंदर। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज इस पांचवे लेक्चर में हम भूवैज्ञानिक समय सारणी को पूरा करते हैं। धन्यवाद।